आप सभी को यह बात तो पता ही है कि जेल में कई सारे कैदी रहते हैं, लेकिन उनकी असलियत क्या है यह अभी तक सभी लोगों को नहीं पता है। आज जेल में जितने भी कैदी हैं, उनमें से आधे से ज्यादा कैदी ऐसे हैं जिनके ऊपर आरोप है, लेकिन वो आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, मतलब कि वो अभी दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं। ये बात नहीं पता है अभी तक कि उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है, उन्होंने वह काम किया भी है या नहीं, मतलब कि वो अभी केवल आरोपी हैं, दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं। तो ऐसी अवस्था में वो कई सालों से कैदी बनकर के जेल में हैं और सजा काट रहे हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कुछ कमेंट किया है जो कि इन्हीं विषय को लेकर के है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आखिर उन्होंने क्या-क्या बात कही, और सच में यह मुद्दा हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है और हमारे पूरे देश के लिए। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश जयपुर जाते हैं। जयपुर में अखिल भारतीय कानूनी सेवा बैठक के 18वें संस्करण का उद्घाटन करते हैं, वहां पर भाषण देते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में प्रक्रिया ही सजा है। बहुत बड़ी बात कही गई है। यह बात इन्होंने जो कह दी है, हो सकता है कि आगे चलकर क्वेश्चन के तौर पर, लिखित क्वेश्चन के तौर पर एग्जाम में भी पूछा जाए। तो इस बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि आखिर किस चीज को लेकर यह बात कही जा रही है, किन चीजों को सोचकर यह बात कही जा रही है। इसके बाद वो आगे कहते हैं कि जल्दबाजी में अंधाधुंध गिरफ्तारी से लेकर जमानत पाने में कठिनाई तक विचाराधीन कैदियों को लंबे समय तक जेल में रखने की प्रक्रिया पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। हाल ही में कई सारे केसेस भी आए हैं जिनमें कहा भी गया है और यह बात लोगों तक पहुंची भी है कि कई सारे ऐसे आरोपी थे जिनके ऊपर आरोप था किसी गलत काम या अपराध के लिए, लेकिन वह अपराध सिद्ध नहीं हुआ था। इसके साथ ही जो आरोप उस व्यक्ति पर था, उसके लिए जो सजा निश्चित होती है, मान लीजिए कि किसी अपराध के लिए 2 साल निश्चित किया गया है कि 2 साल वह जेल में रहेगा, लेकिन इस प्रक्रिया के वजह से वो 10 साल 12 साल तक जेल में रहता है, वो भी बिना आरोप सिद्ध हुए। हमारी प्रक्रिया के वजह से एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर केवल आरोप है और आरोप की वजह से वह 9-10 साल तक जेल में रहता है, और केवल ऐसा ही एग्जाम्पल नहीं बल्कि वास्तविकता में ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जिनको देखते हुए ऐसा लगता है कि हमारी प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। और यही बात हाल ही में जयपुर में सीजीआई ने कहा है। इसके बाद सीजीआई रमना कहते हैं कि एक गंभीर मुद्दा है कि देश भर में 6.10 लाख कैदियों में से 80% विचाराधीन कैदी हैं। ये बात वही है कि अभी ये विचार के लिए हैं, इन पर अभी आरोप सिद्ध होना बाकी है। हो सकता है कि इनमें से कई सारे कैदी ऐसे हों, केवल आरोपी हैं लेकिन दोषी नहीं है, मतलब कि केवल उन पर आरोप लगाया गया है, पर वास्तविकता में हो सकता है कि उन्होंने वह गलत काम वह अपराध किया ही ना हो। के बाद सीजीआई यह भी कहते हैं कि अभी देश में विपक्ष के लिए जगह कम होते जा रही है, मतलब कि गुणवत्ता को लेकर के भी कही जा रही है, इसके साथ ही काम को लेकर के भी बात कही जा रही है। और आगे यह भी कहा गया कि विधायी प्रदर्शन की गुणवत्ता गिर रही है। इसके आगे वो कहते हैं कि कानूनों का अपेक्षित लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। वर्तमान समय में जिस प्रकार से न्याय प्रक्रिया है, उसके वजह से लोगों तक न्याय नहीं पहुंच पाता है, या फिर न्याय पहुंचने में एक लंबा समय लग जाता है। जैसा कि देख सकते हैं, न्यायमूर्ति सुंदरेश ने कहा कि अदालत के सामने रखे गए आंकड़े बताते हैं कि जेल में बंद 2/3 से अधिक कैदी, 2/3, 2/3 से ज्यादा कैदी विचाराधीन है। इस श्रेणी के कैदियों में से अधिकांश को गिरफ्तार करने की भी जरूरत नहीं थी। इसका मतलब यह है कि इनमें से कई सारे कैदी ऐसे थे जिनको जमानत के तौर पर छोड़ दिया जा सकता था, समय समय पर उन पर कार्रवाई होती रहती, आरोप जब सिद्ध हो जाता उसके बाद उन्हें सजा दी जाती। लेकिन अभी ऐसे कई सारे कैदी हैं जिनको जमानत पर छोड़ा भी जा सकता था, वो भी अभी कैदी के तौर पर यहाँ पर सजा काट रहे हैं। अब जानते हैं कि आखिर जमानत के विषय पर भारत में क्या कानून है। जिन बातों को लेकर, जिन टॉपिक्स पर हमने बात किया,
वो तो अभी तक चलता आया, लेकिन किन कानूनों के वजह से इन पर भी बात करते हैं। तो अब बात करते हैं जमानत के विषय पर, भारत का कानून क्या कहता है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले कि दंड प्रक्रिया संहिता CRPC में जमानत शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि CRPC में जमानत शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन केवल भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों को जमानती और गैर जमानती के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इंडियन पिनल कोड में जमानती और गैर जमानती इन दो शब्दों को अलग अलग करके बता दिया गया है, लेकिन उसको परिभाषित करके नहीं बताया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है कि CRPC मजिस्ट्रेटों को अधिकार के रूप में जमानती अपराधों के लिए जमानत देने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब कि CRPC मजिस्ट्रेट होते हैं, उन मजिस्ट्रेट को यह शक्ति देता है कि आप जमानती अपराध, मतलब कि ऐसे अपराधी जिनको जमानत दिया जा सकता है, उनको आप जमानत देंगे, यह अधिकार आपके पास है। आगे देखते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 की धारा 436 में यह कहा गया है कि IPC के तहत जमानती अपराध के आरोपी व्यक्ति को जमानत दी जा सकती है। IPC में यह तो बता दिया गया कि कोई व्यक्ति कौन कौन से अपराध करता है जिनमें जमानत दी जा सकती है, यह बताया गया है। अब इसके बाद जमानत देने की प्रक्रिया के बारे में CRPC में बताया गया है, CRPC के 436 में। अब आगे देखते हैं कि और क्या क्या नियम है। गैर जमानती अपराधों के मामले में मजिस्ट्रेट यह निर्धारित करेगा कि आरोपी जमानत पर रिहा होने के योग्य है या नहीं। इसका मतलब यह है कि मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया है कि कोई भी ऐसा अपराधी जो कि शुरू में या स्टार्ट में ऐसा तो दिखाई देता है कि ये गैर जमानती अपराध है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपराधी या यूं कहो कि गैर जमानती अपराध कर तो लेते हैं, लेकिन उनको देख करके ऐसा कहा जा सकता है कि इनको जमानत दिया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति का निर्धारण कौन करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा। अब इसके बाद और भी देखते हैं कि क्या क्या नियम है। जैसे कि यदि गैर जमानती अपराध संज्ञेय है जो पुलिस अधिकारी को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई है। इसके साथ ही भारत में ऐसा भी कानून है कि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जो कि गैर जमानती है, तो यहाँ पर जो पुलिस है वो उसे बिना वारंट के भी उसे गिरफ्तार कर सकती है। यहाँ जरूरी नहीं है कि पुलिस अपने साथ वारंट लेके आए उसके बाद ही उसे गिरफ्तार करे। इसके बाद कभी कभी यह भी सवाल होता है कि कहाँ लिखा हुआ है कि जो अपराध है गैर जमानती अपराध है और उसके साथ ही इस पर जो अपराधी है उसे जमानत नहीं दिया जाएगा। हमारे जमानत के विषय पर जो भारत का कानून है उसमें बताया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC 1973 की धारा 437 में कहा गया है कि गैर जमानती अपराधों में आरोपी को जमानत का अधिकार नहीं है। CRPC की धारा 437 में गैर जमानती अपराधी को जमानत का अधिकार नहीं है। इसके साथ ही कुछ और भी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि गैर जमानती अपराधों के मामले में जमानत देना न्यायालय का विवेक अधिकार है। यहाँ पर न्यायालय को अधिकार दिया गया है कि ऐसा आरोपी जिसने ऐसा अपराध किया है जो कि गैर जमानती है, लेकिन उसके बाद भी न्यायालय को अधिकार है, वो चाहे तो उसे जमानत दे सकते हैं। तो इस तरीके से ये मुद्दा जो अभी उठा है वो काफी बड़ा मुद्दा है और इम्पोर्टेंट भी है। हमारे यहाँ जो सजा की प्रक्रिया है उसमें सुधार की जरूरत है। सुधार होगा तो कई सारे लोगों को न्याय जल्दी मिलेगा। हमारे यहाँ जो न्याय प्रक्रिया का समय है वो काफी लंबा हो जाता है। कई सारे केसेस ऐसे हैं जिनको देखते हुए ऐसा लगता है कि इनमें कम से कम समय लगना था, लेकिन इसके बाद भी हमारे यहाँ जिस प्रकार से प्रक्रिया है उसके वजह से कई सारे केसेस जिनको एक महीने के अंदर भी खत्म किया जा सकता था उनको भी लंबे समय तक खींचा गया है। और कई सारे केसेस ऐसे हैं जिनमें आरोपी को सिद्ध भी नहीं किया गया कि वो सच में अपराध किया है या नहीं, उसके बाद भी वो सालों जेल में रहता है। इसके साथ ही इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि जिस तरीके से हमारे यहाँ अभी तक प्रक्रिया है, जिनको नुकसान हो गया है उनका भरपाई कैसे होगा।
कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपराध नहीं किया है, लेकिन शक के बेस पर या फिर जिस प्रकार से आरोप है उस व्यक्ति पर, उसकी वजह से वो कई सालों से जेल में सजा काट रहा है। तो ऐसे वक्त पर वो अपने परिवार से दूर होता है, अपने जिम्मेदारियों से दूर होता है, अपने अधिकारों से दूर होता है। तो यहाँ पर इन सारी चीजों की भरपाई कौन करेगा, यह भी देखा जाए। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस पर सुधार किया जाए, ताकि हम सभी जनता न्याय प्रक्रिया में जब पहुंचे तो कम समय में हमें न्याय मिल जाए।